बंटू घंटू और सोनाज काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बाबा आज इन लोगों को दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर मेला घूमने ले जाने वाले हैं। अरे ये क्या, ये लोग तो इतने ज्यादा खुश हो गए कि डीजे बजाकर डांस करने लगे। डांस खत्म होने के बाद बंटू बोलता है, अरे भाई सोन, आज तो मेला घूमने में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हम लोग वहाँ के सबसे बड़े झूले पर बैठेंगे। तभी सोन बोलता है, अरे हाँ भाई, मैंने भी वहाँ के बारे में बहुत सुना है। वहाँ पर दुर्गा पूजा में एकदम मस्त मेला लगता है, मज़ा तो आज आना ही है। तभी सोन खुशी के मारे उछलने लगता है और बोलता है, ये आज तो मैं सबसे बड़े वाले झूले पर बैठूंगा, आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और उधर मेला घूमने जाने के लिए बाबा एक नई बस ही ले आते हैं और उसे खुद ही चलाकर काफ़ी तेज़ी में आ रहे होते हैं। लगता है बाबा भी मेला घूमने जाने के लिए आज काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं। और उधर जंगल से काफ़ी जानवरों की चिल्लाने और रोने की आवाज़ें भी आ रही होती हैं, लेकिन बाबा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था क्योंकि बाबा किसी से डरते ही नहीं हैं। बाबा बंटू घंटू और सोन के पास पहुँच जाते हैं और बंटू से बोलते हैं, अरे बंटू, ये रोड कहाँ रह गया, काफ़ी ज़्यादा देर कर रहा है वो आने में। चलो हम लोग उसे यहीं छोड़ देते हैं और हम लोग सब मेला घूमने चले जाते हैं। तभी बंटू बाबा से कहता है, अरे नहीं बाबा, हम रॉड अंकल को कैसे छोड़ सकते हैं, रॉड अंकल बस रास्ते में ही होंगे, हमें उनका थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। ये लोग यहाँ पर रॉड का इंतज़ार करने लगते हैं और उधर रॉड अपनी बाइक से काफ़ी तेज़ी में आ रहा होता है, लेकिन अचानक रॉड को जंगल में काफ़ी जोर की सोसू लग जाती है। वो सोचने लगता है कि मैं सोसू कहाँ करूँगा, क्योंकि अभी तो इंडिया में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं सोसू कहाँ करूँ। उससे अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। तभी वो बाइक की स्पीड को बढ़ाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे सामने एक कम्बोर्ड दिखाई पड़ता है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी बाइक को कम्बोर्ड के पास ले जाकर रोक देता है। वहाँ पर जंगल में जानवरों की काफ़ी ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आ रही थी और सोचने वाली बात तो ये थी कि इतने घने जंगल में एक कम्बोर्ड आया कहाँ से। लेकिन ये सब बिना कुछ सोचे समझे रोड सोसू करने के लिए जाने लगता है। उसे ये नहीं पता होता है कि ये कम्बोर्ड नहीं, इसकी पिटी टॉयलेट है। रोड जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है, कम्बोर्ड के अंदर से इसकी पिटी टॉयलेट निकल जाता है। रोड की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी इसकी बड़ी टॉयलेट उछल उछल कर डांस करने लगता है और रॉड को अपने अंदर खींच लेता है। तभी वहाँ पर अचानक से मिस्टर मीट आ जाता है और बोलने लगता है, मैं जल्दी से रॉड का भेस ले लेता हूँ और बाबा के साथ मेला घूमने के बहाने बाबा और उसके साथियों को मार डालूंगा। अरे ये क्या, मिस्टर मीट तो सचमुच में रॉड के भेस में आ गया। मिस्टर मीट रॉड की बाइक में बैठकर बाबा के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में काफी ज्यादा अंधेरा था पर उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था क्योंकि वो खुद ही एक राक्षस है। भैरूपिया रोड जैसे ही बाबा के पास पहुंचता है, वो बस के सामने अपनी बाइक को रोक देता है। तभी बाबा बोलते हैं, अरे रोड, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी। मिस्टर मीट, जो रोड के भेस में था, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कि मैं क्या बहाना बनाऊं ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं। तभी भैरूपिया रोड बाबा से झूठ बोलता है, बाबा वो क्या है ना कि रास्ते में मुझे बहुत जोरों की भूख लग गई थी, इसीलिए मैं रास्ते में होटल में खाने के लिए रुक गया था, इसीलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। तभी बाबा बोलते हैं, कोई बात नहीं रॉड, तुम अपनी बाइक को साइड में लगा दो और सब लोग बस में बैठ जाओ। भैरूपिया रॉड अपनी बाइक को झोपड़े के किनारे लगा देता है और फिर सब लोग बस में बैठ जाते हैं और बाबा बस स्टार्ट कर देते हैं और वो मेला घूमने जाने के लिए निकल पड़ते हैं। बाबा जंगल में बस को रॉकेट की तरह भगा रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद बस जैसे ही जंगल के बीचों बीच पहुंचता है, तभी सोन अचानक बोलता है, बाबा जल्दी से बस को रोको, मुझे बहुत जोरों की सुसू आई है। बाबा बस को जंगल के बीचों बीच में रोक देते हैं। सोन सुसू करने के लिए जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद सोन को जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली दिखाई पड़ती है जहाँ पर एक कम्बोर्ड भी दिखाई देता है। वो उस कम्बोर्ड के नज़दीक जाने लगता है।
वो जैसे ही कमबोर्ड के पास पहुंचता है वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है, अरे बाप रे, रॉड अंकल तो यहाँ बेहोश पड़े हुए हैं, तो फिर हमारे साथ वहाँ बस में कौन था। सोन ये सब बोल ही रहा होता है तभी अचानक ज़मीन के अंदर से कैमरामैन बाहर आ जाता है और बोलता है, अरे बच्चे, जो तुम्हारे साथ बस में था वो और कोई नहीं, हमारा बॉस मिस्टर मीट है। तभी सोन बोलता है, अरे बाप रे, अब बाबा और मेरे भाइयों का क्या होगा। तभी अचानक कमबोर्ड के अंदर से एक लंबा सिर वाला आदमी निकल जाता है और वो जोर जोर से उछलने लगता है। सोन ये सब देखकर काफ़ी डर जाता है। तभी कैमरामैन बोलता है, उधर हमारा बॉस मिस्टर मीट बाबा और तुम्हारे भाइयों को ख़त्म करेगा और इधर मैं और स्किपडी टॉयलेट तुम्हारा और रॉड का खेल ख़त्म करेंगे। तभी सोन को डर के मारे चक्कर आ जाता है और वो बौखला के ज़मीन पर गिर पड़ता है और इधर कैमरामैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। सोन को गए हुए काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है। बाबा और उनके साथियों को सोन की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है। तभी बाबा बोलते हैं, सोन को गए हुए काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है, लगता है सोन कोई मुसीबत में फंस गया है, हमें बाहर चलकर सोन को ढूंढना होगा। तभी बंटू बोलता है, हाँ बाबा, चलो बाहर चलकर देखते हैं। सभी लोग बस से नीचे उतरकर पैदल ही सोन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। काफी दूर जाने के बाद बंटू को सामने एक पुरानी हवेली दिखाई पड़ती है। बंटू बाबा से बोलता है, बाबा वो देखो, सामने एक पुरानी हवेली दिखाई पड़ रही है, लगता है सोन उसी के अंदर सुसु करने के लिए गया होगा। तभी बाबा बोलते हैं, हाँ बंटू, चलो उसके नज़दीक जाकर देखते हैं। वो सब हवेली के नज़दीक जाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। वो लोग जैसे ही हवेली के पास पहुँचते हैं वो वहाँ का नज़ारा देखकर काफ़ी ज़्यादा बौखला जाते हैं, क्योंकि वहाँ ज़मीन पर सोन और रॉड बेहोश पड़े हुए थे और साथ में कैमरामैन और स्किपडी टॉयलेट भी वहाँ पर मौजूद थे। वो लोग ये सोचकर ज़्यादा परेशान थे कि रॉड तो हमारे साथ ही था, पर यहाँ दूसरा रॉड यहाँ ज़मीन में कैसे बेहोश पड़ा हुआ है। बाबा के साथ में जो भैरूपिया रॉड था वो कैमरामैन के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है। तभी बाबा बोलते हैं, अरे रॉड, तुम कैमरामैन के बगल में जाकर क्यों खड़े हो गए, और तुम्हारे भेस में जो नीचे ज़मीन पर बेहोश पड़ा हुआ है वो कौन है। तभी कैमरामैन और रॉड बाबा की बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। और इधर असली रॉड और सोन को होश आ जाता है और वो बाबा के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी भैरूपिया रॉड बाबा से बोलता है, अरे बाबा, मैं रॉड नहीं, मैं मिस्टर मीट हूँ, ये सब तो तुम लोगों को फंसाने की चाल थे। फिर भैरूपिया रॉड जादू से अपने असली रूप मिस्टर मीट में बदल जाता है। बाबा को यह सब देखकर बर्दाश्त नहीं होता है और बाबा जादू से स्किपडी टॉयलेट को जला देते हैं। बाबा का गुस्सा अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। बाबा अपने गुस्से को शांत करने के लिए फिर से जादू करते हैं और कैमरामैन को जला देते हैं। इन दोनों को मारने के बाद अब मिस्टर मीट की बारी थी। बाबा दौड़कर आते हैं और मिस्टर मीट को पटकना शुरू कर देते हैं। फिर बाबा जादू से मिस्टर मीट को भी जला देते हैं। तभी रॉड बाबा से बोलता है, शुक्रिया बाबा, मेरी और सोन की जान बचाने के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।